बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में यूसीसी बिल को पेश किया और बिल पेश होते ही पूरे सदन में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे। बिल पेश होने के बाद सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अगले आधे घंटे में सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि चर्चा के बाद इसे कल पास भी कर दिया जाएगा। इस खास बुलेटिन में हर एक अपडेट हम आपको देंगे, साथ ही साथ क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किसने क्या कहा इस पर, यह भी आपको बताएंगे। बताएंगे ये भी कि यूसीसी ड्राफ्ट में क्या है। चर्चा के बाद 2 बजे आज चर्चा होगी और कल पास हो जाएगा बिल। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सदन में जब पेश किया गया बिल को तो वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे भी लगे। क्या है यूसीसी में, जल्दी से आपको बता रहे। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी नहीं डाली जा सकती है। साथ ही साथ पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी पति नहीं कर सकता है। संपत्ति विवाद पर भी यूसीसी में एक रूपता है, यानी कि सबको समान संपत्ति मिलेगी, बेटी हो चाहे बेटा हो। जनजातीय समाज को ड्राफ्ट से बाहर रखा गया है, 4% जनजाति इसमें। शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 4 वॉल्यूम है यूसीसी के, एक एक करके सारी जानकारियां देंगे। 800 से ज्यादा पेजेस हैं, 4 वॉल्यूम है यूसीसी के और शादी का रजिस्ट्रेशन भी इसमें अनिवार्य है। यूसीसी में क्या क्या है ये हम आपको एक एक करके डिटेल बता रहे हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि यूसीसी बिल जो कि पेश किया गया उसमें क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। यूसीसी के बिल में 392 धाराएं हैं। यूसीसी विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित है, इसमें बहुविवाह पर रोक का प्रावधान है, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल का प्रावधान कर दिया गया है और साथ ही साथ शादी के 1 साल बाद तक तलाक फाइल नहीं हो सकता है। शादी हो गई तो 1 साल तक डिवोर्स नहीं ले सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में जो भी रहेगा उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लड़कियों को लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार है प्रॉपर्टी में, परिवार में। उत्तराखंड की 4% जनजातियों को कानून से बाहर रखा गया है। बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बच्चा गोद लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको और ज्यादा आसान करने का प्रस्ताव है। मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार है। हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। पति पत्नी के बीच विवाद हुआ तो बच्चे की कस्टडी दादा दादी को देने का प्रस्ताव है इस यूसीसी में। हम आपको एक एक करके डिटेल पूरी बता रहे हैं कि यूसीसी में कौन सी बड़ी बातें, कौन से बड़े पॉइंट्स हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। तो यूसीसी बिल पेश होने के बाद यूसीसी ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बातचीत की है, सुनिए। विधानसभा में यूसीसी का ड्राफ्ट बिल आज पेश हुआ है, हमारे साथ हैं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए 12 फरवरी 2022 आज वो सौभाग्यशाली दिन हमारे इस उत्तराखंड के लिए आया है कि जब विधानसभा में इस विधेयक को टेबल किया गया और मैं समझता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है, ऐतिहासिक दिन है, आनंदित करने वाला दिन है। और चूंकि हम लोग देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, अनेकों अवसर आए हैं कि जब हमने पहल की है, जो संकल्प से सिद्धि तक जो उनका मूल मंत्र है, उन्होंने साहस दिखाया, वर्षों वर्षों तक जिन्होंने राज्य किया, शासन किया, जो लोग सिर्फ तुष्टिकरण के आधार पर राजनीति करते रहे, जबकि आप जानते हैं कि संविधान में भी बहुत स्पष्ट तौर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे विपक्षी साथी उनके नारे लगा रहे थे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम यूसीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी बात का विरोध। उन डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ उन्होंने कितना अन्याय किया। हम 1990 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रस्ताव पे उनको भारत रत्न दिया गया और आज उन्हीं के पदचिन्हों पे हम लोग चल रहे हैं और आज
जिस प्रकार से मैंने कहा ना, संकल्प से सिद्धि तक मुख्यमंत्री ने साहस दिखाया, वो अभिनंदन के पात्र हैं। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस शुभ अवसर पर बहुत बधाई दे रहा हूं। देखिए, आज यूसीसी उत्तराखंड के विधानसभा के अंदर आसानी से पास हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई विरोध और गतिरोध नहीं रहेगा, वो केंद्र को भेज देंगे। और मैं इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा, ये पहल की है। और कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया वो सभी समुदायों से बातचीत करते, पूछ करके और सर्वे करके ये लाए हैं, तो इसमें किसी का विरोधाभास भी नहीं है। केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो विरोध कर रहे हैं। और कुछ कट्टरपंथी ऐसे हैं जिनका कि हर उसमें विरोध है, रहता है। हमारा उनको ये कहना है कि देश हित में, राष्ट्र हित में ये बिल है, और जब यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का दाना पानी खाते हैं, यहाँ की सुविधा को उपभोग करते हैं, तो क्यों फिर दूसरे देश की बात करते हैं? यदि ऐसा ही है तो फिर उनको उस देश में चला जाना चाहिए। तो ये लेकिन जन समुदाय की यदि बात करो तो इसके पक्ष में है। यूसीसी के लिए उत्तराखंड ने पहल की है, उत्तराखंड इसको लेकर के आ रहा है, तो मैं अपने संकल्प के धनी यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे मुद्दे पर, जो देश के लिए बहुत आवश्यक मुद्दे थे, हमेशा पहल की है। चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, और ये फिर ये यूसीसी हो, यूसीसी को वो लेकर के आए हैं, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये कानून बनने के बाद देश के अंदर एक समरसता निर्माण होगी, ये मैं कह सकता हूँ। समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा, और हम उसके साक्षी हैं, हम उसे पास कराने का एक निमित्त बन रहे हैं। इससे बड़ा आनंद का समय नहीं हो सकता। एक अच्छी शुरुआत 75 साल के बाद यहाँ से शुरू हो रही है, उत्तराखंड से, देवभूमि से, जिस धरती ने माँ गंगा को जन्म दिया है, उसी तरह से संवैधानिक क्षेत्र में भी एक अच्छी शुरुआत हो रही है। देखिए, कांग्रेस हर अच्छे काम का विरोध करती है, ये उनकी नीति है, और मुझे लगता है कि अब तो कांग्रेस को संभलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से उनका सुपड़ा साफ होते जा रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मित्र, सच्चाई यह है कि वो जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, वो परोक्ष रूप से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, यूसीसी नहीं चाहते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 में साबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने का काम किया था, राजीव गांधी जी की सरकार ने अपने प्रचंड बहुमत के गरूर में उस फैसले को उलट दिया और उसके विपरीत कानून बनाने का काम किया। आज भी कह नहीं रहे विपक्षी, लेकिन चाहते यही है कि यूसीसी लागू ना हो। जहां तक अध्ययन का सवाल है, अभी बिल टेबल हुआ है ना, आप उस पर सदन के अंदर खूब चर्चा करिए, किसने रोका है? यूसीसी को लेकर सपा सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया है कि वे यूसीसी कानून नहीं मानेंगे। यूसीसी के मुद्दे पर सांसद एसटी हसन ने यह भी कहा है कि इसकी जरूरत क्या है, देश में 76 साल से देश चल तो रहा है। ये हर वो कानून जो मुसलमानों के पर्सनल लॉज को या मुसलमानों को जो हिदायत कुरान पाक में दी गई हैं उसके खिलाफ बनता है, तो हम उसका विरोध करेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। जिन हिदायत से किसी दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो, 75 साल से स्मूथली देश चल रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉज भी हैं, बाकी जो कानून है चाहे फौजदारी के हों तो सबके एक से ही हैं, बहुत से सिविल कानून भी सबके एक से हैं, हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो पर्सनल लॉज हैं, मेरे अलग कस्टम्स हैं, आपके अलग कस्टम्स हैं, आदिवासियों के अलग रीति रिवाज हैं, आप क्या सबको खत्म कर देंगे? लेकिन जब कानून बन जाएगा तो मानना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि माना जाए, गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस का भी एक मूवमेंट चलाया था, हो सकता है देश के अंदर फिर सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो जाए। 3 तलाक का कानून आया, क्या सब लोग फॉलो कर रहे हैं? जमीनी हकीकत तो देखिए आप,
आज भी तीन तलाकें हो रही हैं। लेकिन जो बीजेपी है वहां की, वो कह रही है कि इस कानून को बनाने में सभी धर्मों के लोगों से सुझाव लिए गए, और जो कानून बनाया गया है सभी धर्मों के जो परंपराएं हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया, कहीं किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया गया है। अगर ऐसा है और कुरान पाक की हिदायत के खिलाफ नहीं है तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेके आए, अच्छी बात है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देहरादून से उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी मौजूद हैं। अनुपम जी, जरा आसान शब्दों में बताएं, जो भी दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को, यूसीसी बिल क्या है ये वो जानना चाहेंगे। इस बिल में क्या है जरा बताएं, इससे क्या बदलाव होने वाला है, महिलाएं कितनी सशक्त होने वाली हैं, विस्तार से जानकारी दें। देखिए नलिनी, एक तो मैं इसको अगर एक लाइन में बोलूं तो यूसीसी का मतलब है कि जो भी नागरिक रहे हैं, जिस भी संप्रदाय से हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं या कोई भी धर्म के लोग हैं, उन पे एक कानून लागू होगा, चाहे वो उनकी शादी से जुड़ा मामला हो, चाहे वो तलाक से जुड़ा मामला हो, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, और इस तरीके के जो विषय हैं, क्योंकि अलग अलग समुदायों में अलग अलग नियम समय समय पर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में तो फिर भी एक समानता दिखती है, लेकिन मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज हैं उसमें थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हैं, जैसे उनके शादी के नियम अलग हैं। वहां पर माना जाता है कि जब किसी बच्ची जो प्यूबरिटी की एज पे चले जाती है, यानी कि उसके जो पीरियड शुरू होते हैं, तब से उसकी शादी की जा सकती है। यूसीसी में इस पर रोक लगाई गई है, 18 साल से नीचे की किसी भी लड़की का शादी अब नहीं हो सकेगी। इसके अलावा इसमें जो शादियों के जो अपने जो ट्रेडिशन रहे, जैसे निकाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, हिंदू का अपना विवाह है, सिख में जो गुरुद्वारे में विवाह किया जाता है जिसको आनंद कारज कहते हैं, इससे कोई छेड़छाड़ की बात नहीं कही गई है। तो ये कुछ ऐसे फाइनर पॉइंट्स हैं। और एक मैं बड़ी खबर आपको ये बताऊं, तो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मैंने बात करी, उसमें साफ हुआ है कि यहां जो आज बिल डिस्कशन हो रहा है, जिसका विधानसभा में जिस पर बातचीत करी जाएगी, ये कल पास होगा, और पास होने के बाद ये गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर इस पर अपनी मंजूरी देंगे, उसके बाद ये राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, यानी कि सीधे कानून नहीं बन जाएगा। राष्ट्रपति जब तक इसमें अपनी मंजूरी नहीं देंगी, तब तक इसमें चीजा मतलब कानून की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा, और एक बार वहां से मंजूरी बनने के बाद यूसीसी लागू हो जाएगा। और मेरे साथ सुनील नवप्रभात भी हैं, जो लगातार सुबह से विधानसभा के अंदर सदन में बैठे हुए थे, कार्रवाई देख रहे थे, और उन्होंने काफी अध्ययन किया है, उनसे जरा हम बातचीत करते हैं। सुनील, इसमें क्या कुछ ऐसे बड़े पॉइंट्स हैं शादी और संपत्ति को लेके या डिवोर्स को लेके जो आप साझा करना चाहते हैं? एक तो इसमें जो मुख्य बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसका जो निचोड़ है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को इसमें प्रधानता दी गई, यानी कि उनको और ठोस तरीके से मजबूत किया गया है। दूसरी जो बात यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि आपके जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, वो किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, चाहे वो पारसी हो, ईसाई हो, मोमडन हो, हिंदू हो, किसी के भी जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स हैं अपने हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ इसमें नहीं की गई है। एडॉप्शन की जो बात हम कर रहे थे, बारीकी से ध्यान रखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को का ड्राफ्ट तैयार करते वक्त। एडॉप्शन की जो बात हो रही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि चूंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एडॉप्शन के लिए तमाम प्रावधान ऑलरेडी हैं, बच्चे के एडॉप्शन की बात तो उसमें तमाम प्रावधान ऑलरेडी हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसको शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि शादी की जो उम्र है जो मुस्लिम संप्रदाय में की जाती है, तो उसके लिए 18 वर्ष का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत शादियों का रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य रूप से कराना पड़ेगा। पहले क्या दिक्कत थी कि रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लोगों को लगाने पड़ते थे, और इसके कारण अधिकांश लोग रजिस्ट्रेशन करने से बचते थे। लेकिन अब इसमें व्यवस्था कर दी गई है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तो पंचायत सचिव जो आपके ग्राम स्तर पर ब्लॉक लेवल पर उपलब्ध हो जाता है, आप वहां जाकर अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अर्बन एरिया में किसी भी सक्षम प्राधिकारी का यहां जो भी तैनात होगा, उसमें SDM भी हो सकता है और नगर निगम भी हो सकता है, वहां भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है नलिनी जो सुनील ने साझा किया है शादियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए अभी कई लोग आर्य समाज मंदिर में शादी करते थे या मंदिरों में शादी करते थे या अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज को फॉलो करते थे। कई बार क्या होता था कि शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब रजिस्ट्रेशन को करना अनिवार्य होगा। ये कानूनन पहले भी अनिवार्य है, लेकिन यूसीसी में इसको इस पर विशेष फोकस किया गया है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता है तो उसके बारे विस्तार से आपने बताया कि यूसीसी बिल क्या है और इसके अंदर क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैं आपसे जानना ये भी चाहूंगी कि अब एक एक करके अगर डिस्कशन किया जाए, शादी की बात करें, डिवोर्स की बात करें, तो इसमें एक और पॉइंट ये है कि शादी के एक साल बाद तक डिवोर्स नहीं फाइल किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है।
बिल्कुल आपने सही कहा नलिनी, इसमें एक साल तक कोई डिवोर्स फाइल नहीं किया जा सकेगा कोर्ट में। और इसके अलावा इसमें अलग अलग ग्राउंड्स बनाए गए हैं, ग्राउंड्स पहले भी थे कि किस कि आप जब कोई भी व्यक्ति कोई भी दंपत्ति जब उनके बीच में विच्छेद होता है, जब वो तलाक के लिए या डिवोर्स के लिए कोर्ट्स में जाते हैं, तो उस समय क्या क्या ऐसे ग्राउंड है जिसके आधार पर वो डिवोर्स मांग सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो इसमें जुड़ी है यूसीसी के अंदर जो है वो है कि अगर किसी में से एक पार्टनर को भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो जो बात अब तक कई बार छुपाई जाती थी, इस तरीके की भी खबरें आती रही हैं, वो भी एक ठोस ग्राउंड बनेगा डिवोर्स के लिए। इसके अलावा इस कानून में और क्या है प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि प्रॉपर्टी का बंटवारा एक बड़ी चीज है, खासकर मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते प्रॉपर्टी का आसानी से। 25% वो मैक्सिमम मिल सकती है उनको प्रॉपर्टी, वो भी तब जब मैं आपके पास लौटूंगी। देहरादून से दीपांकर भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। दीपांकर, आपके पास क्या जानकारी, क्या अलग अलग रिएक्शन अब इस पर अभी भी आ रहे हैं? 2 बजे बताया जा रहा है एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल नली, मेरे साथ दो खास मेहमान यहां पर हैं, राजेश शुक्ला जो किच्छा से विधायक रह चुके हैं, बीजेपी के नेता है, किच्छा में बड़ी आबादी मुस्लिम होगी, और शादाब शम्स जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। शादाब शम्स का कहना है कि ये जो रिएक्शन आ रहा है, जो विरोध कर रहे हैं मुसलमान, वो पॉलिटिकल मुसलमान विरोध कर रहे हैं, आम मुसलमान फेवर में। आपके किच्छा का 40% मुस्लिम इसके समर्थन में होगा? ये तो पहले भी साबित हो चुका है कि जितने भी ऐसे इश्यूज थे उसमें मुसलमानों का विरोध नहीं था। 370 हटी, देश में कहीं मुसलमानों प्रदर्शन नहीं किया। राम मंदिर बना, कहीं देश में मुसलमानों प्रदर्शन नहीं किया। ये जो विरोध कर्नाटक है, ये केवल तुष्टिकरण के नाम पे जो लोग राजनीति कर 70 साल से इस देश में, जिन्होंने डरा रखा था अकेलेत के लोगों को, वो लोग परेशान है और वही लोग विरोध कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जनता का कोई विरोध नहीं है। शादाब शर्मा, आप तो खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, आपका कहना है पॉलिटिकल मुसलमान अलग है, वैसा मुसलमान अलग है? तो देखते नहीं है, आपको चेहरा देख लीजिए, सारे पुरानी वीडियोज उठा लीजिए, आज की वीडियोज उठा लीजिए, आपको दिख जाएगा जो लोग हर जगह विरोध करते हैं वही लोग नजर आ रहे हैं विरोध करते हुए। आखिर ऐसा क्या है कि यही लोग विरोध करेंगे? और हम ये कह रहे हैं कि अगर इनका विरोध ठीक होता तो फिर 3 तलाक में कमी क्यों आई? आज बेटियों को राहत मिली है, पूछिए ना लोगों से, उन बाप से, उनके पिताओं से पूछिए, उनके परिवारों से पूछिए, जिनकी बेटियों को तलाक हो जाता था और कोई कहने सुनने वाला नहीं था। अब एक डर हुआ है और उस डर की वजह से अगर तलाक में कमी आई है 3 तलाक में, तो ये मुस्लिम बेटियों के लिए अच्छा है कि कोई भी मुंह उठा के चला जाए और तलाक देते नहीं होना चाहिए था। जिस उत्तराखंड में नमाज की छुट्टी पे कांग्रेस इलेक्शन हार गई, मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे इलेक्शन हार गई, आपने हरीश रावत को हराया 2017 में, आपको लगता है यूसीसी का मुद्दा? आप बातचीत जारी रखिएगा, बातचीत जारी रखिए, क्योंकि भी दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि रिएक्शंस क्या कुछ सामने आ रहे हैं। यूसीसी का ड्राफ्ट और उस पर कांग्रेस का कहना है कि ड्राफ्ट को पढ़ने का वक्त कम दिया जा रहा है और अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का क्या कुछ कहना है इस पर पहले वो सुनवाते हैं। में भी कुछ मुस्लिम महिलाएं, यासीन मलिक खान, जो यासमीन आलम खान जो यहां पर महानगर की आप अध्यक्ष हैं, आप देवबंद से जो रिएक्शन आ रहा है और देवभूमि का रिएक्शन अलग अलग है, आप भारतीय जनता पार्टी में, उनका यह कहना है कि विपक्ष की कोई सुनने वाला नहीं है, हम तो कुरान शरीफ को मानते हैं, हम देवबंद के फतवों को मानते हैं, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं है, आपका रिएक्शन क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ धामी जी का, जो उन्होंने हमें ये क्रूर प्रथा से अपना निकाला है, निजात मिली है। और ये देवबंद में क्या, कौन से फतवे, कौन सा वो, कहाँ कुरान में लिखा है मुझे बताइए, कौन से कुरान में लिखा हुआ है आपको 3 तलाक देंगे, कौन से कुरान में लिखा है आपको इद्दत देंगे, कौन से कुरान में लिखा है? ये सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, दुकानें जिनकी बंद हो रही है, जो फतवा जारी करते हैं, अब उनका राजनीति खत्म हो रही है क्या? फतवा जारी हो नहीं पाएगा। महिलाएं हमारी आज इतना खुश है, यहाँ मुस्लिम महिलाएं हमारी इतना खुश है कि फतवों से निजात मिल रहा है, हलाला जैसी प्रथा, आप देवबंद से बात कर रहे हैं कि ये सब क्या है, ये हलाला क्या है? हलाला अच्छा है? कुरान में कहाँ लिखा है हलाला मुझे बताइए, कहाँ लिखा है कुरान में, मैं भी देखूं जरा। आइए, खुला चैलेंज है आपके लिए ना, यहाँ आइए और मेरे से बात करिए और कुरान में मुझे दिखाइए। आप लोग और बहकावे, आप महिला होकर अपना इतना मतलब हलाला भी करवाएंगे क्या? हलाला भी करेंगे, इद्दत भी करेंगे, और महिलाएं, आज की महिलाएं, आज महिलाएं क्या 3 तलाक इतना आसान नहीं रहा है? ये धामी जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, यहाँ पर ये नहीं चलेगा, ना फतवे की राजनीति होगी अब यहाँ पर। सब आप 5 पॉइंट गिनवाने वाली थी, क्या पॉइंट? मेरा ये है, एक हलाला से हम लोगों को छुटकारा मिलेगा, जो कहीं नहीं लिखा है कुरान में, कहीं लिखा ही नहीं है कुरान में। 3 तलाक से हमें छुटकारा मिलेगा, फतवों की जो राजनीति होती थी मुसलमान महिलाओं के लिए, नहीं आपको फतवा ये जारी हो गया, ये जारी हो गया, ये सब खत्म हो गया है आज हमारा ना। तो आज हम महिलाएं बहुत खुश हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्रिया करना चाहती हूँ हमारे धामी जी का और मोदी जी का। तो अमित, ये रिएक्शन है, देव बंद का रिएक्शन अलग है और देव भूमि में मुस्लिम महिलाओं का रिएक्शन अलग है, अब कौन सही है कौन गलत, इसी पर बहस चल रही है, लेकिन अब इंतजार है कि कब यूसीसी पास होता है विधानसभा से।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, जुड़ने के लिए। 2 बजे से एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जैसा कि आपने मुस्लिम महिला की तरफ से सुना कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं यूसीसी का, ये वही लोग हैं जिनकी राजनीतिक रोटियां इससे चलती हैं, जो कि फतवा जारी करते हैं, जो कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इससे सीधे तौर पर फायदा ही होने वाला है। हर एक